अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा एक नया तरीका कि जिसके ज़रिए आप जो है आराम से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है वो ग्राफिक डिज़ाइन चल रहा है ऑनलाइन मार्केट में, तो मेरा ये आपको मशवरा है कि आप जो है सबसे आसान काम लोगो डिज़ाइनिंग सीख लें। इसमें जो है वो आपको मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि जहां पे आप आसानी के साथ जो है अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं और बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि कोई ख़र्चा नहीं होगा आपका और आप आराम से जो है वो घर बैठे काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, मैं आपको जो है वो सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। आपने कोशिश करनी है कि उसको देखना है और उसको समझना है और उस पर अमल करना है और स्टेप सारे फॉलो करने हैं, और बरए मेहरबानी मेरी वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। चलिए चलते हैं फिर गूगल की तरफ। गूगल में आपने सर्च करना है कैनवा। canva.com एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे आप जो है वो आसानी के साथ हर काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री टूल्स आपको मिल जाएंगे बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आपने क्या करना है इसमें कैनवा में, अभी आपको मैं सिखाऊँगा लोगो डिज़ाइनिंग के, लोगो कैसे बनाया जाता है। और बड़े मज़े का ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको जो इतनी मसला परेशानी नहीं आनी, इजीली आप जो है इसमें बग़ैर किसी खर्चे के बग़ैर किसी काम के आप काम कर सकते हैं, यानी कि कोई ख़र्चा वगैरह नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप देखें समझें और हर स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आपने करना है डिज़ाइन SP, इसके लिए आप मैं चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे आपने इसके मेन मेन्यू पे आना है, मेन मेन्यू पे आके वहाँ पे आपने करना है डिज़ाइन SP स्पॉट लाइटिंग। वहाँ पे आपने लोगो मेकर को क्लिक करना है। लोगो मेकर को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ पे आपने फ्री लोगो मेकर का जो है वो सामने नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करें कि वो वेबसाइट पूरी तरह ओपन हो जाए। जब ये ओपन हो जाएगी तो किस तरह से लोगो बनाया जाता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इस काम करना है। अब यहाँ पे जो है आप देखें कि कितने ज़्यादा लोगो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं जो कि टेम्पलेट्स हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनमें से जो आपको पसंद टेम्पलेट है उसको उठाना है, उठा के अपनी मर्जी का टेम्पलेट उठाएं, उठा के उसको जो है वो बनाते हैं, बना लें अपना लोगो बना लें। अगर किसी क्लाइंट को देना है तो उससे पूछ लें कि वो उसको किस तरह का चाहिए, और ख़ुद के लिए बनाना चाह रहे हैं फिलहाल तो प्रैक्टिकल करने के लिए कि आप इसमें देखें ये बहुत सारे हैं। आप इसमें मिसाल के तौर पे हेल्थ से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो हेल्थ आप लिखें सर्च में तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब आपने हेल्थ लिखा तो देखें इससे रिलेटेड कितनी ज़्यादा जो है आपके पास वैरायटी आ गई। अब आपने इनमें से जो आपको पसंद आता है उसको आप क्लिक करें। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि पेड होंगे, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो बेहतर यही है कि आप पेड वाले खाने में अभी ना जाएं, क्योंकि अभी आप जो है वो फ्री बना रहे हैं, फ्री सीख रहे हैं, तो आप फ्री वाला लोगो कोई भी उठाएँ। अब मिसाल के तौर पर ये वाला लोगो है हेल्थ केयर वाला, हम ये उठा लेते हैं और इसको किस तरीके से बनाना है वो जो भी इसमें आप करना चाहें, जैसे भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इसकी फॉन्ट चेंज करना चाहें, इसके कलर चेंज करना चाहें, जो भी कुछ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपके लिए आसानियाँ हैं। इसमें आपको हर टूल इसमें मिल जाएगा, कोई अलग टूल आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और सब कुछ आपको अपना बनाया, यानी कि एक किस्म का हलवा पका हुआ आपके सामने है। सिर्फ आपने अपने दिमाग से काम लेना है और इसको जो है वो अपनी मर्जी पे डालना है कि जिस तरह से आपके दिमाग में खाका बना हुआ है उसके मुताबिक बनाएं उसको, काम मकसद बना के तो आगे आप जो है वो उसको अपनी तरतीब दे दें जिस तरह से भी देना चाहते हैं। अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से आप जो है वो करना चाहेंगे, इसके कलर चेंज करना चाहें, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें, यानी कि जो अभी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि बाद जो है वो क्लाइंट कहता है कि जी इसका साइज़ इतना होना चाहिए, तो फिर वो साइज़ आप जो है वो कस्टम साइज़ भी दे सकते हैं इस पर, वो
वो भी इतना मसला नहीं है। जिस तरह से भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसका देखें फॉन्ट चेंज करें, छोटा बड़ा करना चाहें, इसकी लैंग्वेज स्टाइल जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आगे नेक्स्ट चलते जाएं और जो भी आपको पसंद हो, जो कलर आपको पसंद है इसका चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर लें, रेड करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, जो भी आपका आपको पसंद आता है वो कर लें। अच्छा, जब आप इसको बना लें तो इसको जिस तरह से भी अलाइनमेंट करना चाहें कर लें अपनी मन मर्ज़ी पे। देखें इसमें जिस तरह से भी एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, आप जो भी इसमें करना चाहें इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, एक्यूरेसी को मद्देनज़र रख के जब ये फाइनल कर लें उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का ये ऑप्शन है, इसमें आप PNG फॉर्मेट भी होता है, JPG फॉर्मेट होता है, उसके बाद जो PDF फॉर्मेट होता है, MP4, GIFs वगैरह, जो भी आप इसको जिस भी शेप में डालना चाहें। अब बाज़ अवकात GIF की ज़रूरत पड़ती है कि GIF जो है वो लोगो बना के दें, तो आप GIF इसमें यही लोगो बनाएं और इसको GIF की सूरत में जो है वो डाउनलोड कर लें।